आज प्रशंसा जी आपके साथ एक लाइव प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो टॉपिक मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट विवेक मलिक जी जो मेरा ऐप यूजर्स हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो एक फोन पे समझाने लायक चीज नहीं थी, तो मैंने सोचा ठीक है एक वीडियो बना देते हैं। फिर मुझे याद आया कि आप लोगों की फॉर्मूले की क्लास चल रही है और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखने में आप लोग थोड़ा सा सकपका रहे हैं, तो सोचा कि एक लाइव प्रोजेक्ट आपके सामने रख दूं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास तीन डेटा है, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, दिख रहा है? अच्छा, आप लोगों में कौन से लोग वी लुकअप जानते हैं? सर मैं जानता हूँ। प्रशंसा जी आप? प्रशंसा जी वी लुकअप जानते हैं आप? जी सर, जी सर। और सुरेश जी आप? हाँ सर मैं भी। चलिए, तो वी लुकअप टाइप का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे करना क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना ये है कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कोई भी नेम, जैसे कि मैंने पूजा सिलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पूजा का पूरा डेटा आना चाहिए। पहली प्रॉब्लम ये है, पूरा डेटा आना चाहिए, पूजा का पूरा डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ हमने इक्वल, हमारे पास फिल्टर का फॉर्मूला होता है, फिल्टर, ठीक है? फिल्टर में क्या है, हमने बोला डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू हम आए समरी में, हमने पूजा सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, पूरा डेटा आ गया। आ गया। अब पूजा के जगह पे अगर मैं यहाँ पे रवि सिलेक्ट करता हूँ तो रवि का डेटा आएगा, यहाँ पे मैं मोहन सिलेक्ट करता हूँ तो मोहन का डेटा आएगा। अब यहाँ टाइप करना पड़ रहा है ना, मैं चाहता हूँ सिलेक्शन हो जाए, तो दो तरीके हैं लिस्ट बनाने का, कि यहाँ पे इसको हमने कॉपी करके, मैं मान लीजिए कि दूसरे किसी समरी पे यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने डेवलपर टैब में जाके ये देखिए होता है रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है? और यहीं पे डेटा वैलिडेशन दिखेगा, लिस्ट लगा दिया हमने, और लिस्ट में हमने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लिया। अब ड्रॉप डाउन हो गया ना सर? देखिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाया था, बट प्रॉब्लम क्या है कि फिल्टर फॉर्मूला जो है वो आपके लेटेस्ट एक्सेल में, पुराने एक्सेल में नहीं है। मैं इसको यहाँ इसको हाइड कर देता हूँ, पुराने एक्सेल में नहीं, आप 13 दे लीजिए, 16 देख लीजिए, वहां पे नहीं मिलेगा, 19 और 21 में दिखेगा। उस केस में क्या करें, तो सबसे पहले मैं इसका काउंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? काउंट। काउंट इफ में गया, काउंट इफ में जाने के बाद हमने यहां सेलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट, कॉमा समरी में पूजा को, कविता को सिलेक्ट कर लिया, ये बता दिया 27 है। अब मैं डेटा में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ, मैं यहाँ एक सीरियल नंबर ऐड करता हूँ और D1 में गए और एक ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड किया और यहाँ पे भी हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि जनरली वी लुकअप सिंगल से एक ही सेल को कलेक्ट करता है, मतलब कि एक ही वैल्यू को लुकअप करता है। अगर पूजा 5 बार है तो पहली पूजा को लुकअप करेगा, दूसरी पूजा को लुकअप नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एक यूनिक नंबर बना रहे हैं काउंट इफ क्यू फॉर्मूले से, B2 से B2 कॉमा B2 लगा दिया तो A1 आएगा। अब मैं पहले वाले B2 को अगर कर देता हूँ फ्रीज, और करने के बाद अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, दिख रहा है ना? तो ये क्या हुआ, अगर फिल्टर लगा के देखेंगे तो हर नाम को एक सीक्वेंस नंबर दे दिया है। अजीत देखा आपका सर? तो एक सीक्वेंस नंबर दे दिया हुआ है, और इसी सीक्वेंस नंबर के साथ &-again&% और इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट? समझे? तो अब मैं आसानी से यहां इफ का फॉर्मूला लगा सकता हूं कि इफ अगर ए, सॉरी यहां मैं नोली तो 1 लिखूंगा नीचे, कि इफ
ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन 27 है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर ले, सॉरी ए यहाँ डी ए एट में सॉरी यहाँ ए एट होगा। और नीचे ड्रैग करने से पहले डी थ्री को कर देता हूँ फ्रीज और इसको इफ एरर में डाल देता हूं और यहाँ पे ब्लैंक और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, जितना डेटा है उतना सीक्वेंस बन गया। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसके साथ डैश दिया और मैं कविता को मर्ज कर दिया और डेटा वन में गए और हमने ले लिया। यहाँ पे वापस मैच का भी फॉर्मूला लगा देता हूं, समरी में नेम, मैच का फॉर्मूला पता या नहीं है? हालांकि मैच की फॉर्मूला जरूरी नहीं था यहाँ पे नंबर, तो मैच का फॉर्मूला नहीं लगाता तो मुझे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर देने पड़ते, समझ गए? एट का ए फ्रीज होगा, सी थ्री फ्रीज होगा, डी के फ्रीज होगा, बी सेवन का सेवन फ्रीज होगा और वन बाय वन जो है ए फ्रीज होगा। और इसमें इफ एरर लगाएंगे, इसको बोला गया वी लुकअप लिस्टिंग, वी लुकअप लिस्टिंग बोला गया, ठीक है। डेटा आ गया सरा, अब जो नाम यहां दूंगा, अगर मैं यहां पे पूजा सिलेक्ट करता हूं, इंदर सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे देखिए इंदर का आ गया, यहां पे ओम सिलेक्ट करता हूं तो ओम का आएगा। अब सबका 27 है तो एक काम करता हूं, पूजा को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 5-7 बढ़ा दिया पूजा। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे पूजा सिलेक्ट करता हूं मैं तो पूजा का देखिए कितना 32 है ना। तो मेरा एक काम नहीं है, बेसिकली मेरे पास तीन अलग अलग सीट है। अब मेरा ये कहना है कि तीनों सीट में पूजा सबसे ज्यादा बार जिसमें रिपीट हुआ है उसी का टोटल, उसी का यहां पे आना चाहिए, समझे? समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ बोल रहे हो, समझ में आ रहा है सर। ये यहां तक ये तो हमें बिलू का ब्लिस्टर हमने इस चीज में किया ना आपको सर, तो ये चीज पुराने एक्सेल का था, नया एक्सेल जो आप यूज कर रहे हैं उसमें तो फिल्टर फॉर्मूला लगा लीजिए आ जाएगा, ये करने की जरूरत ही नहीं है, बात समझे? अभी जो मैंने किया डी वन पे गया और एक काउंट इफ वगैरह लगाया, तो एक काउंट इफ लगाने का जो जरूरत थी वो पुराना एक्सेल में था, मैं 2016 तक के एक्सेल में था, उससे पहले के 2016 से पहले बाद जो है 19 है या ऑफिस 365 है उसमें तो इसकी जरूरत ही नहीं, समझ गए प्रशंसा जी? सर सिंपल जानिए हमने क्या किया, काउंटिंग फॉर्मा लगा के हमने क्या किया, नीचे तक ड्रैग किया, इससे क्या हुआ कि जितने भी नेम रिपीटेड है सबकी एक काउंटिंग आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, समझ गए? फिर उसके साथ उसका नाम मर्ज कर दिया तो यूनिक हो गया। अब देखेंगे, इसे मान लीजिए कि अगर हम पूजा को ही फिल्टर करें तो 1 पूजा 2 पूजा 3 पूजा 4 पूजा दिख रहा होगा, दिख रहा है 1 पूजा 2 3 4 यूनिक है ना पूरा। तो हमने समरी जहां वी लुकअप लगाया तो वहां भी हमने पूजा और वन को कंबाइन करके लुकअप कर लिया, लुकअप हो गई। तो यहां तक तो ठीक था, बट मेरे पास तीन अलग अलग डेटा है। अब उनका ये है, उनको ये कहना है कि पूजा जिस सीट में सबसे ज्यादा, जिस सीट में सबसे ज्यादा बार रिपीट है उसी का टोटल आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूजा लिया और यहाँ पे हमारा आ गया सीट नेम डी वन, सेम सीट नेम देना होगा, ठीक है, या रेंज है तो रेंज नेम डी टू एंड डी थ्री, समझ गया?
और काउंट इफ जो मैंने यहां लगाया इसी को मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं और डी वन को कर देता हूं डी टू और यहां पेस्ट कर दिया डी थ्री। तो तीनों शीट में जो लिस्ट है वो आ गया यहां पे। फिर मैंने यहां पे लगाया मैक्स, क्या लगाया फॉर्मूला मैक्स। तो मैक्स का फॉर्मूला बताएगा कि भाई सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, मैक्स फॉर्मूला। तो ये आया 32। अब यहां पे आया लुकअप शीट कि भाई किस शीट से लुकअप करेगा, क्योंकि 32 से तो लुकअप करेगा, यहां ऊपर जो हेडिंग है वो आना चाहिए ना, क्या बोल रहे हैं सर? तो मैंने मैच फॉर्मूला वापस लगाया और पता किया कि ये जो 32 है वो कितने नंबर कॉलम पे है। तो 32 को ढूंढ के इसने बता दिया हमको कि पहले नंबर पे, समझ गए? लेकिन वन नहीं सर, ये वाला नहीं समझे, ये वाला नहीं समझे। मैच फॉर्मूला ने क्या किया, इस 32 को ये तीनों सेल के अंदर में ढूंढा, ढूंढ के उसका सीक्वेंस बताया कि पहले नंबर पे जी। अब समझ में आया जी? जी जी जी, समझे कि नहीं? अब 32 सबसे पहले पे था, पहले है ना जी सर। मान लीजिए ये 42 होता तो अब क्या आता, दूसरा आया ना, क्योंकि मैक्सिमम 45 है तो 45 का पहला और दूसरे संख्या पे है ना। अब समझ में आया आपको नहीं कि नहीं? जी सर जी, आ गया समझ में, आ गया। लेकिन मुझे ये 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे तो D1 D2 D3 चाहिए ना, सीट नेम मेरा चाहिए। तो इसको हम रख देंगे इंडेक्स फॉर्मूला में, और इंडेक्स फॉर्मूला में इसको सेलेक्ट करके कॉमा रो नंबर छोड़ के कॉलम नंबर पे डाल देते हैं। आ गया D1, अब समझ में आया? यस सर, यस सर। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स फॉर्मूला जो है आपका, इंडेक्स फॉर्मूला का काम है कि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर दिया, उसको बताइए रो एंड कॉलम, कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम का डेटा चाहिए। तो हालांकि एक ही सिंगल रो है तो रो नंबर देने की जरूरत नहीं है, कॉलम नंबर ने बोल दिया दो, तो इंडेक्स करेगा यहाँ पे 1 और 2 और दूसरा सेल की वैल्यू शो कर देगा, सिंपल। तो यहां मुझे मैच बता रहा है कि मैक्सिमम का, जो मैक्सिमम का कॉलम नंबर क्या है, जो कॉलम नंबर है उसकी काउंटिंग यहां आ गई और इंडेक्स उसको काउंट करके यहां पे D1 दे दिया। मतलब कि मुझे यहां पूजा सेलेक्ट किया तो डेटा 1 से डेटा आना चाहिए, समझे? अगर मान लीजिए मैंने यहां पे सेलेक्ट किया अपना मोहन, तो मोहन का भी D1 आ रहा है, तो एक काम करता हूं मोहन को D2 में हम रिपीट कर देते हैं कई बार, ठीक है। अब समरी सीट पे आइए, मोहन जो है 31 बार किसमें है, D2 में है ना, यस सर, या D2 आ गया, मतलब कि मोहन का डेटा डेटा 1 से नहीं डेटा 2 से आना चाहिए, समझ गए? उसी तरीके से अगर मैंने रवि सेलेक्ट किया तो रवि का भी D2 आ रहा है क्योंकि 26 है D1 में, चलिए। और कवि का, उसका D1 से है, तो मान लीजिए कवि का D3 से आना चाहिए, तो हम कवि को कॉपी करके कई सारे जगहों पे हम पेस्ट कर देते हैं, समझ गए? तो कैसे होगा, तो ये हमने सिलेक्शन गड़बड़ कर दिया था, तो कैसे होगा? तो ये जो यहां हमने जो D1 लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि ये D1 ऐसे नहीं है, तो हमने क्या किया कि इस पे इसको रखा ऐसे और हमने डी इसको सेलेक्ट किया और कॉन्केट कर दिया, समझे? हमने क्या किया, हमने जो D1 मैनुअल लिखा हुआ था ना उसको कॉनकेटनेट कर दिया। बट प्रॉब्लम यहां पर है कि ये एक्सेप्ट करेगा नहीं,
इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में डालना होगा। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, फिलहाल इसको करने दीजिए। और एच थ्री है तो एच थ्री को कर देता हूं फ्रीज, बाकी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे पूजा किया तो इस ये आपका डेटा वन से है, अगर मैंने यहाँ पे मोहन किया ये आपका डेटा टू से आया, अगर मैंने यहाँ पे कवि किया ये आएगा डेटा थ्री से, सबसे तो हाईएस्ट है। तो ये हमने क्या किया, देखिए मान लीजिए मुझे सम ही लगाना है, तो सम लगाना है मान लीजिए बी बाई बी कॉलम, तो आप बोलेंगे कि मैं सम किया और चले गए शीट वन में और इसको सी बाय सी को सिलेक्ट करके एन पे प्लेस किया, ये टोटल आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं जो डी वन जो है यहां से ना, तो मैंने यहां किया इसको सिलेक्ट किया एन परसेंट और ए एक्सप्रेशन मार्क दिया और हमने यहां पे सी बाय सी कर दिया, ठीक है। तो एक एड्रेस निकल कर आ गया, जैसे नीचे यहां एड्रेस दिख रहा है सेम ऐसा ही है ना एड्रेस यहाँ पे, क्या प्रशंसा जी? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको सम फॉर्मूले में करता हूं ना तो सम नहीं आया, क्यों? देखिए रीजन यहां देखिए, ये सी में आपका सी एट है ना, तो अगर मैं इक्वल सी एट करता हूं तो सी एट की वैल्यू पिक कर लिया 35 आ गई, लेकिन मैंने सी एट ऊपर लिख दिया, सी एट ऊपर लिख दिया और मैं चाहता हूं कि इसको लिंक करूं तो ए वाला सी एट ले ले, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि एक्सेल इसको रेफरेंस समझ नहीं रहा है। तो एक्सेल को रेफरेंस समझाने के लिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। तो इनडायरेक्ट ने बताया कि सी एट कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई एबीसीडी नहीं है, सी एट एक एड्रेस है सी कॉलन और एट नंबर रो, देन फॉर्मूले ने 35 को शो कर दिया। सेम इसी तरह से अब यहां हम सम लेंगे तो इसको करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर। इनडायरेक्ट फॉर्मूला डी थ्री बाई सी सी को क्या करेगा, एड्रेस समझ के और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और सेम यहीं पे मैंने वी लुक करते हुए ही किया कि जो उसका सीक नेम था उसको मैंने लिंक कर दिया किससे, इस वाले सेल से, और बाकी सबका एड्रेस तो सब कुछ सेम ही था ना, सब कुछ सेम ले लिया। अगर आपका रेंज है मान लीजिए कि अलग अलग सीट का अलग अलग रेंज है तो डी थ्री के साथ, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग है डी थ्री में मान लीजिए कि आपका ए से लेके सी तक है, तो आपको डी थ्री के साथ कॉन्टेक्ट कर देना पड़ेगा सी ए से लेके सी तक, समझे? तो आपको यहाँ पे अलग अलग अगर है तो फिर अलग अलग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा रेंज, यहाँ ऊपर में तो D1 दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि मेरा हर सीट का अलग अलग है तो मैं यहीं पे एक्सप्रेशन मार्क कर दूंगा कि भाई सीट वन में मेरा A से लेके F तक है, और आप यहीं पे कर देंगे कि सीट टू में जो है मेरा वो मेरा A से लेके P तक है, उसी को लुकअप करेगा ना क्या? आ गया ना। और फिर जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो हमने इसको मर्ज किया हुआ है वो मर्ज नहीं करेंगे जी, लेकिन मेरे डेटा में तो पूरा फाइनल है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हम दो अलग तीन अलग अलग सीट का डेटा एक ही फॉर्मूले में हम लिंक करेंगे और अपने कंडीशंस के हिसाब से तीन अलग अलग सीट से डेटा को लुकअप करेगा। प्रशंसा जी, सुरेश जी एंड चिंटू जी, सर ये तो सर के ऊपर से चला गया मेरे। सर मतलब यूज किया है इसमें, बहुत मैंने यूज किया है, नहीं नहीं यस यस सर, ये इसमें बहुत सारे ये लगाया आपने, बहुत सारे कलर, मतलब कि अब देखिए ये जो मैंने सिंपल डेटा पे बनाया है आपको तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं नहीं वो तो नहीं है, ये बाद में जो किया जो जिनका ये फाइल है जिनका ये प्रॉब्लम है उनकी डेटा देखेंगे तो फिर बोलेंगे यार रहने दीजिए, उनका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली जीएसटी का पूरा डेटा है
और उनके इनवाइस सॉफ्टवेयर के इनवाइस मतलब कि उन्होंने ये देखना है कि जीएसटी के डेटा से जो डेटा आया है और जो हमारा सॉफ्टवेयर ने जो बिलिंग डेटा दिया है दोनों को मैच करना है, समझ गए। और फिर इसी के बिहाफ पे फिर यहाँ पे जो है अलग दूसरे सीट का डेटा निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, बात समझे। वो तो करेगा सर, मैच ही करेगा आप जो कर रहे हैं तो। हाँ कंपेयर करेगा, मतलब यहाँ पे आपका आ गया, क्योंकि उनका कहना है ना सर कि इसे मान लीजिए मेरे पास जीएसटी का डेटा है और मेरे पास मान लीजिए अपना सॉफ्टवेयर का डेटा है, तो जीएसटी के डेटा में मान लीजिए 10 एंट्रीज है उस कस्टमर की और मेरे बिलिंग सॉफ्टवेयर में 15 एंट्रीज है, और कभी कभी ऐसा है कि जीएसटी में 15 है तो मेरे सॉफ्टवेयर में 10 है, तो उनका कहना है कि यहाँ पहले जो बेस बने जो सबसे ज्यादा होना उसका बेस बने, ताकि उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इस डेटा को लुकअप करूं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर से और फिर कंपेयर करूं कि दोनों ठीक है या नहीं, बात समझ में आया सर। जी सर, इसलिए किया गया, तो उनका डेटा तो और कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे कॉलम्स है, कई सारे फील्ड्स है, जीएसटी नंबर्स है, नंबर्स भी बहुत सारे हैवी होंगे, बहुत हैवी भी नंबर्स है, करीब 40-45 कॉलम्स का डेटा है, तो वहां पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना जी।